How is this not a pyramid scheme? All right, let me explain it again. More people that get involved, the more people who are investing, the more money we're all going to make. It's not a pyramid scheme. It is a, it's not even a scheme per se. It's... I have to go make a call. हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सेक्युलरिज्म का डिपार्टमेंट ऑफ गंगा जमुनी तहजीब का एसोसिएट प्रोफेसर श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो वेल विशेस भेजे हैं मुझे मेरे कोविड टेस्ट के बाद, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर नाउ और वापस बकचोदी करने के लिए तैयार। तो भाई, निधि राजदान जी की स्टोरी में एक्चुअली एक बहुत बड़ा खुलासा हमें पता चला है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि इसको न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने एक लंबे आर्टिकल में कवर किया है। एनडीटीवी पर एक ब्लॉग पोस्ट भी पब्लिश हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स के पास कुछ और काम धंधा नहीं है। अरे भैया, ये सवाल आपको तब पूछना चाहिए था जब न्यूयॉर्क टाइम्स कुणाल कामरा को कोविड एक्सपर्ट बना के उनसे आर्टिकल लिखवा रहा था। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। हो सकता है अगले महीने अफगानिस्तान के सिविल वॉर के क्राइसिस पर आर्टिकल लिखने के लिए लोग बॉबी डार्लिंग को बुला लें। इन एनी केस, जिस स्कैम का शिकार निधि राजदान कुछ महीने पहले हुई थी, जिसको मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करके रखा हुआ है, उस स्कैम का असली गुनहगार हमें फाइनली मिल गया है। फाइनली न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें ढूंढ निकाला है और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस पूरे के पूरे स्कैम का गुनहगार है हिंदू नेशनलिस्ट। अब देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक चीज बोलनी जरूरी है कि जो निधि राजदान के साथ हुआ है वो देखिए किसी के साथ भी हो सकता है। Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. और जिस तरह से पब्लिकली उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी, उनको काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है, काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। पब्लिक स्फीयर में काफी मैडम भुगत चुकी हैं। तो इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो के बाद फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो पर मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि किस तरह से उन्होंने इस सारे मामले को हैंडल किया है। आप क्या कर सकते थे कि पुलिस के पास जाते और पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सारे फैक्ट्स आप पब्लिक के सामने रखते, लेकिन आपने किया क्या? आप भाग गए न्यूयॉर्क टाइम्स के पास और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपके साथ मिलके और एक दो और जर्नलिस्ट के साथ मिलके सारा का सारा ब्लेम डाल दिया हिंदू नेशनलिस्ट के ऊपर और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो ठीक है भाई, आईपीएल में अगर खेलना है तो थोड़े छक्के चौके तो खाने पड़ेंगे। तो अगर इस स्कैम के बारे में आपको पता नहीं है तो बेसिकली हुआ ये कि एक तौसीफ नाम के आदमी ने, जो कह रहा था कि भाई मैं हार्वर्ड से हूं और हार्वर्ड से जॉब ऑफर लेके आया हूं, उसने निधि राजदान को और कुछ इंडियन रिपोर्टर्स को, कमेंटेटर्स को कांटेक्ट किया था। और लेकिन बाद में आपको पता चला ही कि हुआ क्या है। भैया, कोई जॉब ऑफर नहीं था, तौसीफ नाम का कोई आदमी ही नहीं था हार्वर्ड में, और बेसिकली जिस बंदे ने स्कैम किया है उसने निधि राजदान का और बाकी लोग जिनको टारगेट किया गया है उनका बस काफी सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि भाई जिन लोगों ने स्कैम किया है वो लोग एक्चुअली हिंदू नेशनलिस्ट हैं। अब अगर इस बात का आप प्रूफ मांगते हैं तो वो बोलेंगे प्रूफ ये क्या होता है? अरे भैया, प्रूफ क्यों मांगते हो? ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले भी जो हैं, ये लालू यादव स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से आते हैं। सब कुछ विपक्ष की गलती है। सर जी, चारा घोटाले का क्या? अरे विपक्ष की गलती है। सर जी, पिछले इलेक्शन में आप हार गए उसका क्या? अरे विपक्ष की गलती है। सर जी, आपके 10-15 बच्चे कैसे हो गए? अरे विपक्ष की। भावनाओं को समझिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने निधि राजदान से ही नहीं और भी ऐसे जर्नलिस्टों से और पॉलिटिकल कमेंटेटर से बात की है जिसको इन स्कैमर्स ने टारगेट किया था। एक उनमें से है जैनब सिकंदर। जैनब सिकंदर जी ने भी यही कहा कि भाई मुझे टारगेट किया गया है क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाती हूं और इंडियन गवर्नमेंट ने जो कश्मीर में एक्शन लिया है मैं उसके खिलाफ आवाज उठाती हूं। एक और बिकाऊ जर्नलिस्ट है रोहिणी सिंह। रोहिणी सिंह जी ने भी यही कहा है कि भाई ये इंडियन गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम कर सकती है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनको एम्बैरेस करना चाहती है। तो अभी तक याद रखिए कि किसी ने भी क्लियर प्रूफ नहीं दिखाया है कि जिन लोगों ने इनको स्कैम किया है वो हिंदू नेशनलिस्ट है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जैनब सिकंदर ने और रोहिणी सिंह, इन तीनों लोगों ने बिना किसी प्रूफ के सारा का सारा ब्लेम हिंदू नेशनलिस्ट और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है। और वो इसके बावजूद कि न्यूयॉर्क टाइम्स के इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि जिस तौसीफ बंदे ने इनको कॉन्टैक्ट किया था वो कह रहा था कि वो बॉस्टन में रहता है लेकिन उसका फोन नंबर का कोड यूएई का था। उसके ऊपर से जब जैनब सिकंदर ने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भैया एक्सेंट से तो ये बंदा पाकिस्तानी लगता है। यार, मेरे को नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोग आजकल बहुत बड़े हिंदू नेशनलिस्ट बने जा रहे हैं।
और उसके ऊपर से निधि राजदान जी ने फिर एक साइबर सिक्योरिटी फर्म से भी बात की, जिस साइबर सिक्योरिटी फर्म ने जाकर फिर इस पूरे स्कैम की जांच पड़ताल की है। जांच पड़ताल के बाद साइबर सिक्योरिटी फर्म ने यह कहा है कि इस स्कैम में किसी बाहर की गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि जिस आईपी एड्रेस से निधि राजदान को ईमेल भेजा गया है वो आईपी एड्रेस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए एक हैकिंग ग्रुप का आईपी एड्रेस है। और इतना ही नहीं, अभी और भी है। सबसे पहला इंसान जिसको इस हैकिंग ग्रुप ने टारगेट किया था वो एक्चुअली बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन थी जिनका नाम था निगत अब्बास, और उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर जाकर आवाज भी उठाई थी कि ये तौसीफ नाम का जो आदमी है ये स्कैम कर रहा है, इस आदमी से सब लोग बच कर रहे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो निधि राजदान को टैग भी किया था सोशल मीडिया पर निगत अब्बास के पोस्ट के नीचे, ये निधि राजदान जो है वो तौसीफ को फॉलो क्यों कर रही है सोशल मीडिया पे जब ये आदमी इतना बड़ा स्कैम चला रहा है। तो इतना हल्ला हुआ नवंबर 2019 में जब निगत अब्बास ने इस बारे में आवाज उठाई थी, तब निधि मैडम को कुछ भी गलत नहीं दिखा। उसके ऊपर से एक कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने तहसीन पूलावाला, उसने भी इस बारे में फिर बाद में आवाज उठाई, ये भी निधि जी को नहीं दिखा। लेकिन आज वो बंदा हिंदू नेशनलिस्ट हो गया है। आप मुझे बताइए कि किस तरह का ये टुच्चा हिंदू नेशनलिस्ट है जो कि सबसे पहले जाके बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पे ही स्कैम कर रहा है। शायद ये आदमी है रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आईसीस का टेररिस्ट है वो मंदिर उड़ाने की जगह साला जाके मस्जिद में बॉम्ब मार रहा है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि टोटी चोर दूसरे की टोटियां चुराने के बजाय अपने बाथरूम से खुद की टोटी चुरा रहा है? कोई सेंस है इस बात की? और इतने वार्निंग साइंस के बावजूद, इतने सारे रेड फ्लैग्स के बावजूद, कई महीनों तक निधि राजदान जी ने इस बात में कोई देखा देखी नहीं की, और कई महीनों के बाद जाके जून 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए जा रही है। तो अभी तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जिस बंदे ने स्कैम किया है उसका नाम है तौसीफ, उसका नंबर है यूएई का, बंदा एक्सेंट से पाकिस्तानी लगता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी बोला है कि जिस आईपी एड्रेस से इनको ईमेल भेजा गया है वो आईपी एड्रेस किसी फॉरेन गवर्नमेंट के हैकिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, हिंदू नेशनलिस्ट की गलती है, इंडियन गवर्नमेंट की गलती है। मैं किस मुंह से बोल रहे हो भाई? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। No, I do cooking, huh? Oh, seriously? Yeah, yeah, I do. I do quite a lot. लेकिन इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है भाई? ये लोग तो भैया 26/11 के अटैक्स के लिए भी हिंदू ग्रुप्स को ब्लेम कर चुके हैं, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए हिंदुत्व को ब्लेम कर चुके हैं। अरे बात सुधार भाई। तो ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब बीजेपी को सबसे बड़ा विलन इन्होंने ही बना के रखा हुआ है भैया। बीजेपी की तो इतनी औकात है कि वो लोग सिंघू बॉर्डर से किसानों तक को नहीं हटा सकते। लेकिन फाइनली आप देखिए निधि जी का प्रिविलेज। ये लोग 24 घंटे प्रिविलेज की बात करते रहता है ना अपर कास्ट की। आप इनका प्रिविलेज देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि निधि जी ने जब सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो हार्वर्ड जा रही हैं, तो हार्वर्ड के किसी भी आदमी ने आके इनको नहीं कहा कि अरे अरे आपके साथ स्कैम हो गया है। वाह क्या बात है। इन्होंने अपने एनडीटीवी के ब्लॉग में भी लिखा कि भाई मैंने अनाउंस कर दिया ट्विटर पे और हार्वर्ड ने मुझे आके बताया भी नहीं कि नहीं नहीं आपको जॉब नहीं मिला है, आपके साथ स्कैम हो गया है। भैया अकड़ होनी चाहिए, ऐसी अकड़ हमको भी डेवलप करनी चाहिए कि कमाल है यार। कटरीना कैफ ने मुझे बताया नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने जाके विकी कौशल से शादी कर ली। मैंने तो साला घर में सबको बता भी रखा है, कार्ड भी छपवा रखे है मैंने। ओ भाई मारो मुझे। भैया ये होता है प्रिविलेज, ये होती है एंटाइटलमेंट के जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई भी नहीं किया है, जिस जॉब के लिए आपने वीडियो इंटरव्यू भी नहीं किया है, जिस जॉब को आपने रिसर्च भी नहीं किया है फैकल्टी की वेबसाइट पे जाके ये जॉब एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। बाय द वे ये जॉब एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको ये एंटाइटलमेंट है कि ये जॉब तो आप ही को मिलना चाहिए। और हार्वर्ड की ड्यूटी बनती है कि आपको आकर बताए कि आपको ये जॉब मिला है कि नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना अपनी तरफ से, और जब आपकी पब्लिकली बेइज्जती हो जाए तो उस बेइज्जती को छुपाने के लिए आप अपने देश का नाम खराब कीजिए, आप अपनी गवर्नमेंट का नाम खराब कीजिए, और आप एक पूरे की पूरी कम्युनिटी का नाम खराब कीजिए। भाई अगर आप अपनी बेइज्जती कबूल करके शांति से चुप हो जाती तो लोग थोड़ा सा मजाक करते, फिर वो भी चुप हो जाते। लेकिन आपने अपनी सिर्फ बेइज्जती को छुपाने के लिए पूरे देश और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम खराब करने की कोशिश की है, तो अब लोग मीम करेंगे तो बुरा मत मानिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फाइनली ये बताइए कि ये मैडम हार्वर्ड की प्रोफेसर तो नहीं बन सकी, तो किस चीज का इनको प्रोफेसर बनाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। पेट्रियन के एपिसोड देखने के लिए पेट्रियन के मेंबर बनिए, यूट्यूब के मेंबर बनिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।